नमस्कार दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता दुबे आज बनाने जा रही हूँ रवा टोस्ट, जो बनने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। आप इसे बना के बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ ले सकते हैं या सुबह के नाश्ते में ले सकते हैं। इसमें वेजिटेबल पड़ी है तो बहुत ही हेल्दी भी है। और मेरी ये रवा टोस्ट की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई रेसिपी लेके आए तो सबसे पहले आप उसे देख पाएं। तो चलिए बनाते हैं रवा टोस्ट। देखिए, रवा टोस्ट बनाने के लिए मैंने फ्राइंग पैन रख लिया है गैस पे और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल। गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा गर्म होता है तो मैंने बारीक कटी हुई एक प्याज डाल दी है उसमें। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस सौटे करना है, गैस की फ्लेम हाई है। और अब मैं डाल देती हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च कम डालें या फिर ना डालें। इसके बाद मैंने बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाली है एक, और इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि बहुत ज़्यादा मैंने फ्राई नहीं किया है, बस हल्का सा इसका कच्चापन चला जाए उतना ही। फिर मैंने डाला है एक बारीक कटा हुआ टमाटर, आप यहाँ पे गाजर भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, आधा चम्मच काली मिर्च डाली है मैंने। अब मैं डाल दूंगी ये रवा यानी सूजी या सेमोलिना। इसको डालने के बाद हम थोड़ा सा 30 सेकेंड के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 30 सेकेंड के लिए मैंने फ्राई कर लिया है। इसके बाद मैंने लिया है घर की फ्रेश मलाई, ये देखिए, और उसे डाल देंगे हम इसमें। मलाई को मैंने अच्छे से फेंट लिया था और यहाँ पे अब मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर लिया है और तुरंत मलाई डालने के बाद हम फटाफट मिक्स कर देंगे इसमें। उसके बाद मैंने डाला है बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। यहाँ पे देखिए ठंडा हो चुका है। और अब मैंने ले लिया है ब्रेड स्लाइस और इस तरह से उस पर अप्लाई कर देंगे। ये जो सारा हमारा बेटर है उसको ऐसे धीरे धीरे करके लगा देंगे। इसे लगाना भी बहुत आसान होता है, बहुत आसानी से लग जाता है। देखिए इस तरह से लगा देंगे और बस इसी प्रोसेस से हम सारे ब्रेड पे इसे इसी तरह से अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने सारे ब्रेड पे फिलिंग लगा ली है और ये जो फिलिंग हमारी बच जाए उसे आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए, और जब आपका मन करे तो रवा टोस्ट बना सकते हैं। अब मैंने तवा रख लिया है गैस पे, तवा के गर्म होते ही मैं उस पर थोड़ा सा घी अप्लाई कर दूंगी और घी के गर्म होने के बाद हम इस तरह से टोस्ट को इस पर रख लेंगे। मैंने यहाँ पे घी लगाया है, आप चाहें तो यहाँ पे बटर भी लगा सकते हैं। और देखिए इस तरह से हम इसे सेक लेंगे, ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ऐसे, और जैसे ही एक साइड से हो जाएगा तो हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने पलट लिया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और कितने अच्छे से सिक गया है। मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक तवा लिया है, आप सिंपल तवे पे भी इसे सेक सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा घी और लगा देंगे साइडों से ताकि दूसरी साइड से भी हमारा ब्रेड अच्छे से सिक जाए। थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और आप यहाँ पे देखिए हमारा टोस्ट बनके रेडी है। तो हम इसे ट्रांसफर कर लेते हैं दूसरी प्लेट में और इसी प्रोसेस से हम सारे टोस्ट सेक के तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए, आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं या फिर ऐसे बीच से कट करके सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसे लंबाई भी बीच से कट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कट कर लिया है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, आप एक बार इसे जरूर ट्राई करें। ये देखिए यहाँ पे मैंने कट कर लिया है और मैं इसे कट करके ही सर्व करूंगी, तो मैं सारे टोस्ट को कट कर लूंगी।
यहाँ पे मैंने कट करके सर्व कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है। यहाँ पे देखिए, मैं एक बार नजदीक से दिखा देती हूँ कितना स्वादिष्ट टोस्ट बनके तैयार है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव में। बाय बाय दोस्तों।